बात फिर से फरीदाबाद की। फरीदाबाद हरियाणा सरकार द्वारा सभी पंचायतों में विकास कार्य के कामों के लिए ई टेंडरिंग लागू करने वाली है, जिसके माध्यम से गांव में 1 लाख से अधिक राशि के विकास कार्य कराए जाएंगे और 1 लाख रुपए तक की राशि के विकास कार्य सरपंच द्वारा करवाए जाएंगे, जिसको लेकर बल्लभगढ़ ब्लॉक के सभी सरपंच विकास खंड पंचायत अधिकारी कार्यालय में इकट्ठा हुए। तस्वीरों में दिखाई दे रहा यह नज़ारा बल्लभगढ़ के विकास खंड एवं पंचायत अधिकारी कार्यालय का है, जहां पर बल्लभगढ़ ब्लॉक के सभी सरपंच द्वारा एक बैठक का आयोजन किया गया। आपको बता दें, हरियाणा सरकार द्वारा ई ट्रेडिंग प्रणाली लागू ग्राम पंचायतों पर भी की जा रही है, जिसको लेकर सभी सरपंच सरकार के फैसले से खासे नाराज दिखे। जो अभी सरकार के माध्यम से ये आदेश लागू हुए हैं ई टेंडरिंग के, इसमें जो पंचायतों को समस्याएं आ रही हैं, उन समस्याओं के निदान के लिए कल विचार विमर्श करके और जैसा भी ग्राम सभा में निर्णय होगा उसके अनुरूप एक प्रस्ताव जो है कल की सभा में डालेंगे, और इसके क्या क्या लाभ हैं, क्या क्या हानियां हैं, क्या इसमें सुधार होने चाहिए, और सरकार से हम तालमेल बना के इसमें आगे चलेंगे। 1 लाख रुपये खर्च की राशि रखी है इस प्रणाली के जरिए, तो क्या मानते हैं गांव का? वो गांव के विकास में वास्तव में बहुत कम है, और गांव में तुरंत की समस्याएं बहुत होती हैं जिनका 1 लाख से निदान नहीं होता, और ई टेंडरिंग के माध्यम से जो समस्या विशेष रूप से आएगी, क्योंकि व्यवहारिक रूप में ई टेंडरिंग बिल्कुल सही नहीं है। आज अगर आवश्यकता है तो पूर्ण पंचायती राज की आवश्यकता है, जो केवल मात्र हरियाणा में लागू नहीं है, वो हमारे बराबर में राजस्थान में, उत्तर प्रदेश में, दिल्ली में, सब जगह लागू है। जो होना चाहिए असली कार्य इस सरकार के माध्यम से, जैसी हम उम्मीद रखते हैं कि पूर्ण पंचायती राज के माध्यम से जो सरपंचों को ताकत मिलेंगी, और ई टेंडरिंग के जो कार्य है उसमें है, क्योंकि ई टेंडरिंग एक ऐसी चीज़ है कि उसमें कोई भी ठेकेदार अपना लेगा और वो ई टेंडरिंग में पास कराएगा, लेकिन गांव एक ऐसा वो है कि आम आदमी को अभी 2 घंटे में 10 घंटे में 12 घंटे में 2 दिन में 4 दिन में अपनी समस्या का निदान चाहिए, और ई टेंडरिंग में वो पूरी हो नहीं सकती, इसलिए